स्कूल स्टार्ट होते ही हमारे दिमाग में बस एक ही चीज़ आती है कि हम बच्चों को ऐसा क्या पैक करके दें जो बच्चों को पसंद आए और वो सारा लंच फिनिश करें। मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ढेर सारे वेजिटेबल से भरे हुए चार नाश्ते, चार लंच बॉक्सेस जो बच्चों को बेहद पसंद आने वाले हैं, साथ ही साथ आपको भी वो बहुत टेस्टी लगने वाले हैं। हेलो फ्रेंड, मैं अनामिका आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल कुकिंग विद कॉन्फिडेंस में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फोर लंच बॉक्सेस। ये बच्चों को बेहद पसंद आने वाले हैं और इनमें ढेर सारे वेजिटेबल्स हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में बस एक ही चीज़ होती है कि हम किस तरह से बच्चों को ढेर सारी वेजिटेबल्स खिलाएं, क्योंकि हम उन्हें पर्सनली अगर वेजिटेबल्स खिलाते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और मैं जिस तरह से लंच बॉक्सेस लेकर आई हूँ इसमें ढेर सारी वेजिटेबल्स हैं, किसी भी सिचुएशन में बच्चों को ये लंच बॉक्सेस इतने पसंद आएंगे कि वो सारा लंच बॉक्स फिनिश करके आएंगे और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी आने वाली सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है नए नए आइडियाज लेकर आने के लिए, नए नए वीडियोज आपके साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब मैं बनाने वाली हूँ सबसे पहले आलू और सूजी की पूरी। ये बच्चों को बेहद पसंद आती है और ये बहुत आसानी से बनकर रेडी भी हो जाती है। तो मैंने क्या किया था, ओवरनाइट सूजी को पानी से भिगोकर रख दिया था। ये लगभग थोड़ी सी होगी आधे कप के करीब, क्योंकि हमें सिर्फ बच्चे को लंच बॉक्स के लिए ही बनाना है। तो मैंने सिंपली आधे कप इसमें पानी में भिगोकर रख दी थी रात को। तो कुछ बहुत सारी तैयारी ऐसी होती है जो आप नाइट में करके रख सकते हैं, जिससे कि मॉर्निंग में हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना पड़े, झटपट से बच्चों के लिए लंच बनाकर रेडी कर दें और बच्चों को पैक करके भी दे दें। तो मैंने क्या किया है, एक बॉयल आलू लिया है, इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है और इसमें ही मैं डाल दूंगी गेहूं का आटा। तो ये देखिए, एक छोटा कप भर के मैंने गेहूं का आटा डाल दिया है। इसके बाद मैं इसमें ढेर सारा बारीक कटा हुआ धनिया डाल दूंगी, नमक डाल दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसके बाद मैं इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ। आप चाहे तो चिली फ्लेक्स, बच्चे आपके जो भी खाना पसंद करते हैं आप उसके अकॉर्डिंग इसमें मसाले ऐड कर सकते हैं। मैंने गरम मसाला डाला है आधा छोटा चम्मच से कम, और इसके बाद मैं इसे मिक्स कर लूँगी। मैं इसे हाथों से ही अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि जो सूजी है वो भी भीगी हुई है और हमने जो बॉयल आलू लिया है और वो भी उसमें काफ़ी सारा मॉइस्चर है। तो अगर इसमें पानी की ज़रूरत होगी तो ही आप इसमें पानी ऐड कीजिएगा, नहीं तो जो हमने आलू और रवा यूज़ किया है उससे इसका डो बनकर ईजिली रेडी हो जाएगा। और जो पूरी का डो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, सॉफ्ट नहीं होता है। तो ये देखिए, डो हमारा रेडी हो गया है। इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया है और थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे लगभग 2-3 मिनट के लिए रख दिया था, क्योंकि हमें मॉर्निंग में इतना सारा टाइम नहीं होता है कि हम इसे रेस्ट करने के लिए रखें। तो 2-3 मिनट के बाद मैंने हाथों में ऑयल लगा लिया है और ये देखिए छोटे छोटे से पेड़े कट कर लिए हैं और मैं इसे बढ़िया से बेल लेती हूँ। तो पूरी हमें बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है, बस पतली सी छोटी सी। तो ये देखिए इस तरह से, आप चाहे तो पूरी की जगह पराठा भी बना सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि अरे अनामिका ये नॉर्मल पूरी बच्चों को नहीं पसंद आती है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस तरह से बच्चों को पूरी बनाकर देंगे, लंच में रख कर देंगे, बच्चों को सच में बहुत पसंद आएगी, क्योंकि हम जो नॉर्मल पूरी बनाते हैं ना उससे इस पूरी में काफ़ी सारे इन्ग्रीडियंट हमने ऐड किए हैं। तो ये देखिए मैंने सारे पूरियां बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब चलते हैं फ्राई करने के प्रोसेस में। तो ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म करके रखा हुआ है, तो पूरी का जो ऑयल है वो हाई टेम्परेचर पर ही गर्म होने चाहिए, क्योंकि अगर हम पूरी ऑयल में डालेंगे तो हमारी जो पूरी है उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा भर जाएगा, ऑब्जर्व कर लेगी और ये खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, इसमें ऑयल ऑयल हो जाएगा। तो ये देखिए कितने बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हमारी एक साइड से पूरी बनकर रेडी हो चुकी है, फ्राई हो गई है। इसी तरह से और भी जितनी पूरियाँ मैंने बनाई हैं उन सबको मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए कितना इजीली एकदम क्विक बनकर हमारा जो लंच बॉक्स है बनकर रेडी हो गया है, बिल्कुल भी हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी है। और अगर ये आप बच्चों को बनाकर लंच में देंगे तो आप सच में आकर मुझे मैसेज करेंगे कि अनामिका मेरे बच्चों ने सारा लंच फिनिश किया है, ये पूरियां खाने में भी बहुत टेस्टी लगती हैं, आप इसे खुद कभी भी बनाकर ट्राई करके देखिएगा। तो मैंने क्या किया है, लंच बॉक्स ले लिया है और इस तरह से मैंने एक नैपकिन पेपर ले लिया है जिससे कि इसमें जो भी ऑयल होगा वो सारा पेपर पे ही ऑब्जर्व हो जाएगा।
तो ये देखिए मैं इसमें पूरियां रख दूंगी। तो मैं इसके साथ में बिस्किट या फिर काजू बादाम पिस्ता जो भी आपके बच्चों को पसंद हो आप उस तरह से लंच बॉक्स के साथ में कुछ ऐसा रख कर दीजिए जो बच्चों को बेहद पसंद आता हो। तो मेरी बेटी को जो चॉकलेट बिस्किट होते हैं वो बहुत पसंद आते हैं, तो इस तरह से मैं उसे बिस्किट या फिर कभी बादाम काजू किशमिश ऐसी चीज़ें उसको लंच बॉक्स में रख कर देती हूँ। या फिर आप सीजनल फ्रूट भी दे सकते हैं, जो भी सीजन चल रहा हो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें फ्रूट रख सकते हैं। तो ये देखिए आप पराठे के साथ पूरी के साथ में चटनी रख सकते हैं, हरी वाली या फिर टमाटो केचप जो भी आपके बच्चों को पसंद है। तो फ्रेंड ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब हम बनाते हैं हमारा सेकंड लंच बॉक्स। अब मैं बनाने वाली हूँ सैंडविच, तो मैं पनीर सैंडविच बनाने वाली हूँ। और आप तो जानते ही होंगे कि बच्चों को सैंडविचेस कितने ज़्यादा पसंद आते हैं। तो मैंने पनीर लिया था, ये लगभग 100 ग्राम पनीर है, इसे मैंने छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लिया है क्यूब्स में। उसके बाद मैंने इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज डाला है और इसमें मैंने कॉर्न डाले हैं और मैं चीज़ डाल रही हूँ जो बच्चों की बहुत फेवरेट होती है, और बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया डाल दिया है मैंने। और इसके बाद मैं हरी चटनी डाल रही हूँ। तो जो हरी चटनी है इसे मैंने ओवरनाइट बनाकर रख लिया था क्योंकि हमारे पास मॉर्निंग में इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है। तो मैंने इसमें मेयो डाल दिया है, तो जो तंदूरी मेयो आता है मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। आपके पास नॉर्मल मेयो है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, चिली फ्लेक्स डाल दी है, आप चाहे तो इसमें ऑरिगेनो या फिर और वेजिटेबल्स या कुछ भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं जो आपके बच्चों को अच्छा लगेगा। तो ये देखिए हमारी जो स्टफिंग है पनीर की वो रेडी हो चुकी है और मैं यहाँ ब्राउन ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके बच्चे ब्राउन ब्रेड नहीं खाते हैं तो आप वाइट ब्रेड का यूज़ कर सकते हैं। मेरी बेटी ब्राउन ब्रेड बहुत अच्छे से खाती है, उसे बहुत पसंद आती है। तो ये देखिए मैंने इसमें ग्रीन चटनी लगा दी है, तो सॉसेस आप बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें लगा सकते हैं। तो ये देखिए एक ब्रेड में मैंने चटनी लगा दी है और दूसरे ब्रेड में भी लगा देती हूँ मैं, और इस वाली ब्रेड में मैं टमाटर सॉस लगा दूंगी। तो आराम से स्प्रेड कर दिया है मैंने हरी चटनी को और टमाटर सॉस को भी मैं स्प्रेड कर दूंगी। तो इस तरह से जो लंच बॉक्स है अगर आप बच्चों को थोड़े से ट्विस्ट के साथ यानी मार्केट के ट्विस्ट के साथ अगर लंच बॉक्स आप बच्चों को देंगे उन्हें बेहद पसंद आएंगे, वो सच में सारा लंच बॉक्स फिनिश करेंगे और आपकी जो झंझट है ना वेजिटेबल्स खिलाने की लंच बॉक्सेस खिलाने की ये बच्चों की आपकी टेंशन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने क्या किया है जो स्टफिंग हमने बनाकर रखी हुई थी ना वो मैं ब्रेड में लगा देती हूँ। तो ये देखिए अच्छी तरह से स्टफिंग को भरिए, कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिए। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से सारी स्टफिंग को ब्रेड में कवर कर दिया है बढ़िया से। आप चाहे तो इसमें चीज़ स्लाइसेस भी रख सकते हैं, मैंने इसमें चीज़ स्लाइसेस इसलिए नहीं रखे हैं क्योंकि हमने जो चीज़ का क्यूब्स है ना उसका यूज़ किया है जो हम पिज़्ज़ा में यूज़ करते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे दो बनाकर रेडी कर लिए हैं, दो सैंडविचेस। अब हम इसमें ऊपर से बटर लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से दोनों जो हमारी ब्रेड हैं उनमें मैं इस तरह से बटर लगा दूंगी। जो मेरा बटर है वो मेल्टेड नहीं है तो इसलिए इसे लगाने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो जब भी आप बच्चों को लंच बॉक्स दें तो उसकी थोड़ी बहुत तैयारी जो है वो ओवरनाइट करके रख लें क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होती है, मैं ही जानती हूँ। मेरी बेटी सुबह स्कूल जाती है तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये देखिए मैंने एक पैन ले लिया है जिसे मैंने बढ़िया से गर्म कर लिया है, एक साइड से मैंने इसमें बटर लगा दिया है और दूसरे साइड से चाकू की हेल्प से मैंने इसमें बटर लगा दिया है। आप चाहे तो ऑयल या फिर देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए कितने बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो गया है और मैंने इसे एक साइड से पलट दिया है। ये देखिए लग रहा है ना कितना टेस्टी और टैम्पटिंग। अब आप बताइए कि बच्चे से फिनिश करके आने वाले हैं कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैंने एक प्लेट रख दी थी जिससे कि जो वेजिटेबल्स हैं यानी कि जो पनीर है वो सॉफ्ट हो जाएगी और अच्छी तरह से हमारा जो सैंडविच है बढ़िया से सिक जाएगा। ये देखिए अच्छी तरह से हमने इसे सेलो फ्राई कर लिया है। अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे जो सैंडविचेस हैं वो बनकर रेडी हो चुके हैं और मैंने निकाल लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसे चॉपिंग बोर्ड में रख लिया है, एक और जो भी आप जितने ज़्यादा बच्चों को पसंद हो एक या दो आप उसके अकॉर्डिंग इसे बना सकते हैं। और मैं इसे कट कर लेती हूँ पिज़्ज़ा कटर के साथ में। ये देखिए बढ़िया से मैंने इसे कट कर लिया है और ये देखिए आहा लग रहा है ना कितना टेस्टी, मतलब आपका मन कर जाएगा कि बच्चों को तो बाद में दें, पहले हम ही इस सैंडविच को फिनिश कर लें।
तो फ्रेंड ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके बच्चों को एक्चुअली कैसी लगी, क्योंकि हम बच्चों के लिए ही बनाने वाले हैं। तो प्लीज़ 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 अगर चैनल आपको अच्छा लगता है, मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं आपके साथ ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़, अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आपको बहुत पसंद आएंगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं लंच बॉक्स में साथ में रख रही हूँ 4-5 बादाम और 4-5 काजू। आप सीजनल फ्रूट भी रख सकते हैं, बिस्किट या नमकीन भी रख सकते हैं। और अब हम बनाने वाले हैं हमारा तीसरा लंच बॉक्स। तो ये मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि ये दलिये के साथ में इतना टेस्टी लंच बॉक्स बनकर रेडी हो सकता है, क्योंकि हम नॉर्मल बच्चों को दलिया खिलाते हैं वो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, हम कुछ भी कर लें उन्हें कभी पसंद नहीं आता है। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बताने वाली हूँ, आपके बच्चे लंच बॉक्स ईजिली फिनिश करके आने वाले हैं। मैंने आधा कप दलिया लिया था, ये मक्के का दलिया है मेरे पास। आपके पास जो नॉर्मल वाला दलिया होता है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। आधा कप है, इसे मैंने पानी से रात में भिगोकर रख दिया था। और इसके बाद मैं इसमें वेजिटेबल्स डाल रही हूँ, तो मेरे पास गाजर है, बीन्स है और शिमला मिर्च है और प्याज डाल दिए मैंने और बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया डाल दिया है और एक बॉयल आलू डाल रही हूँ मैं वाइंडिंग के लिए। अगर आप आलू का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप इसमें बेसन का यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है आधा छोटा चम्मच से भी कम, लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूं आधा छोटा चम्मच से भी कम, नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, गरम मसाला डाला है आधा छोटा चम्मच से भी कम। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप चाट मसाले का भी यूज कर सकते हैं। और ये देखिए सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बढ़िया से मैंने इसे मिक्स कर लिया है और इसके छोटे छोटे से पेड़े हम बना लेंगे, यानी कि जो टिक्की होती है ना, बिल्कुल टिक्की का सेव बनाने वाली हूँ मैं। सेव आप आपके बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, बच्चों को जो भी सेव नाश्ते के लिए पसंद है आप वो सेव इसका बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो मैंने टिक्की बना ली है और पैन मैंने पहले से ही गर्म करके रखा हुआ है। एक एक करके सारी टिक्की मैं पैन में डाल दूँगी। ये देखिए आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैं इसे सैलो फ्राई कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाएगा, इसलिए मैं इसे सैलो फ्राई करने वाली हूँ। तो ये देखिए एक साइड से ये सिक गए हैं और मैंने पलट लेती हूँ। हाँ, आप एक चीज़ का याद जरूर रखें, क्योंकि जो टिक्की है ये दलिये की, ये थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, तो आप जब भी इसे पलटें तो एकदम सॉफ्ट हैंड से ही पलटें, नहीं तो ये पूरा टूट जाएगा और बिखर जाएगा। ये देखिए मैंने हमारी जो टिक्की है उन्हें पलट दिया है और ये कितने बढ़िया से बनकर रेडी हो गई हैं, कितना अच्छा कलर आया है, गोल्डन ब्राउन। इन्हें सेकने में बहुत से बहुत 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी ये बनकर रेडी हो जाते हैं। मैं कर लेती हूँ इसकी बढ़िया सी प्लेटिंग। तो मैंने लंच बॉक्स ले लिया है और नैपकिन पेपर मैंने उस पर फैला दिया है, जो भी ऑयल होगा वो पेपर पर आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से। तो जब भी आप बच्चों को लंच बॉक्स देना तो थोड़ा ऑर्डिनरी करके दें, थोड़ा सा अच्छा दिखने में अच्छा लगे, जिससे कि बच्चों को खाने में भी अच्छा लगता है, उनके फ्रेंड्स, उनकी जो टीचर्स हैं वो लंच बॉक्स देखती हैं तो उन्हें भी मज़ा आता है कि वाओ क्या लंच बॉक्स है। तो इस तरह से अगर आप लंच बॉक्स बच्चों को पैक करके देंगे, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे और इस तरह के सारे लंच बॉक्सेस बच्चे छट से फिनिश करने वाले हैं। तो अब मैं बनाने वाली हूँ हमारी फोर्थ रेसिपी, तो फोर्थ लंच बॉक्स। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं बनाने वाली हूँ एगलेस ऑमलेट। हाँ हाँ, आप सोच रहे होंगे एगलेस ऑमलेट, हाँ ना, बहुत इजीली एगलेस ऑमलेट बनकर रेडी हो जाता है। तो मैंने क्या किया है, 2 कप बेसन लिया है, 1 कप गेहूं का आटा मिलाया है इसमें और इसके बाद पानी डाल के इसका बढ़िया सा बैटर रेडी करने वाले हैं हम। जैसे कि अगर आप अंडे खाते हैं तो आप अंडे के साथ में ऑमलेट बना सकते हैं। मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरी बेटी भी वेजिटेरियन है, तो मैं एगलेस ऑमलेट बनाने वाली हूँ और ये बहुत ही आसानी से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बैटर हमने बेसन का बनाकर रेडी कर लिया है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाला है और इसके बाद मैंने इसमें प्याज डाला है, बारीक कटा हुआ धनिया डाल रही हूँ फ्रेश बारीक कटा हुआ। इसके बाद मैं इसमें नमक डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना भी आप कम ज़्यादा खाते हैं। इसके बाद मैंने इसमें कुटी हुई काली मिर्च डाल दी है, लाल मिर्च डाल रही हूँ यानी कि चिली फ्लेक्स आधा छोटा चम्मच से भी कम। और इसके बाद जो हमारे खाने वाला सोडा होता है ना, मीठा सोडा, मैंने वो डाला है, जिससे कि ये थोड़ा सा स्पॉन्जी बनेगा। और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ।
तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया है और अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। तो मैंने एक पैन ले लिया है जिसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया है और इसके बाद सारा बैटर मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए इसे बनाना बहुत आसान है। तो जैसे ही आप अंडे का ऑमलेट बनाते हैं ना, सिंपली बस उसी तरह से इसे बनाकर रेडी करना है और बच्चों को ये सच में बहुत पसंद आता है। तो ये देखिए सारा बैटर मैंने इसमें फैला दिया है, एक साइड से ये अच्छी तरह से सिक गया है और मैं इसे पलट लेती हूँ। इसे बिल्कुल भी पलटने में टाइम नहीं लगता। ये देखिए मेरा जो ऑमलेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा फैल गया था इसलिए ये टूट गया है, पर आप देख सकते हैं मैंने इसे कितने बढ़िया से कवर किया है, आप बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि ये टूट गया है। ये देखिए ब्रेड रख दिए हैं और अलट पलट करके दोनों साइड से मैंने इसे सेक लिया है। ये देखिए तो एक जो हमारा ऑमलेट है यानी कि एगलेस ऑमलेट वो बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं आपको सेकंड बनाकर दिखाती हूँ। तो छोटी मोटी गलतियाँ तो हो ही जाती हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये देखिए ये कितनी ईजिली से पलट गया है, ये बिल्कुल भी नहीं टूटा ना। तो बस इसी तरह से आप भी लंच बॉक्सेस बनाइए, आपके जो भी एक्सपीरियंस है मेरे साथ शेयर करेंगे आप तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं अगर आपको हो सकता है तो मैं आपके सारे जो एक्सपीरियंस हैं उनका रिप्लाई भी करूँगी आपको। तो फ्रेंड मेरे जो दोनों ऑमलेट हैं वो बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए मैंने इन्हें अच्छे से सेक लिया है अलट पलट करके और अब मैं कर लेती हूँ लंच बॉक्स। तो ये देखिए मैंने जो बॉक्सेस है इसमें पहले ही नैपकिन पेपर को फैला कर रखा हुआ है और मैंने जो हमारा ऑमलेट है इसे रख लिया है और इसके बाद डार्क फैंटेसी बिस्किट रखी है क्योंकि मेरी बेटी को सिर्फ बिस्किट ही पसंद होते हैं। तो फ्रेंड आपको मेरे चारों लंच बॉक्सेस के जो आइडिया हैं वो कैसे लगे प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरे लंच बॉक्सेस मेरे आइडियाज़ आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आपके फैमिली फ्रेंड आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सबके साथ मेरे वीडियो को मेरी रेसिपीज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ मेरे रेसिपीज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे मेरी आने वाली सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए मुझे यानी कि मेरे चैनल कुकिंग विद कॉन्फिडेंस को। मिलते हैं एक नया आइडिया में नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।